भारत में आंगनबाड़ी की शुरुआत 1975 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव में आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को पोषण और प्राथमिक शिक्षा दी जाए, खासकर 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार दिया जाए। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, आमदनी बंद थी, ऐसे में वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के पहाड़पुर गांव में एक समुदाय है, मुसहर समुदाय। अगर हम मुसहर समुदाय की बात करें तो ये एक वंचित समुदाय है। इनके स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, क्योंकि इनकी आमदनी का कोई बढ़िया स्रोत नहीं है। और ऐसे में इस समुदाय को आंगनबाड़ी से 6 माह से पूरक पोषण आहार नहीं मिल रहा है, जिससे इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहन जी, हम कर बहुत आंगनबाड़ी से कुछ ना मिलल है। हमारे छोटा छोटा बच्चा 1-8 महीना का पेट में बच्चा, कुछ सुविधा ना मिला था। घी मिला था, आटा मिला था, रिफाइन मिला था, हमको ना मिला था। काहे तो ना मिला था? अब हमके ना मालूम, ना जानकारी है, ना मिला था कुछ, ना साथ कोई जानकारी देता ना हुए, वैसे ना मिला था। कोई आपके काहे ना है? बच्चा मन छोटा छोटा बच्चा तो खाई हैं। हाँ, कुछ दिन आ खाई है ना, खाक महीना तो कुछ तो हुई। और तो का फायदा हुई? गर्भवती अला तो हम के फायदा मिलत, घी उसी हो दूध सूद तक खाई तो फुआथू राहत ना हमहू के जानो, कुछ ना मिला था कि ना घी मिला है, ना कुछ सरकारी योजना कुछ नहीं मिला है। हमने वनवासी लोग क्या करें, जानकारी भी नहीं है, काम धंधा नहीं लग रहा है, यहाँ सब गरीब हैं, खैले खैले बाहर मर भी रहे हैं। बाल बच्चा के लिए गर्भवती मेहरारू के न को अथवा मिल रहा है, घी मिला था, न कुछ मिला था, न दाल चावल मिला था, हमने कुछ का पता ना मिली कहाँ से। मिलत तो का फायदा हो? बाल बच्चा खातन सुविधा रहत, फिर के अथवा के मिलत डिलोरिन का तो और सुविधा रहत, डिलोरिन का मिलत है लाभ, हमने पता ना देते हैं, खा जाते लोग बताऊता ना ना। मुसहर समुदाय उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा हाशिए पर रहने वाला समुदाय है, इसलिए जरूरत है इन समुदायों की मदद की जाए ताकि समाज के मुख्य धारा में लौट कर आ सके। इसलिए इन मुसहर समुदायों की समस्याओं पर मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो को बनाने के बाद समुदाय के साथ मीटिंग स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया और उसमें ये निर्णय निकल कर आया है कि हम जिले स्तर पर जाकर इन समुदायों की समस्या से उन्हें अवगत कराएंगे। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन समुदाय की मदद की जा सके।